अगली खबर दिल्ली से सटे गुड़गांव से है, जहां डिप्टी मेयर पर रेप के संगीन आरोप लगे हैं। एक महिला ने डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज करवाया है। गुड़गांव के डिप्टी मेयर पर आरोप, महिला ने लगाया रेप का इल्जाम। डिप्टी मेयर ने दी जान से मारने की धमकी। यह गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया। परमिंदर पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक वो डिप्टी मेयर कटारिया की कंपनी में काम करती है। शादी का झांसा देकर कटारिया ने कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया, फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। महिला की शिकायत पर कटारिया समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कल 24 तारीख को पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि डिप्टी मेयर परमिंदर सिंह जी के ने मेरे साथ जो है ना 5-6 महीने से रेप किया है और उनकी कंपनी में ये महिला काम करती है। जो महिला है उसकी शिकायत के बाद जो गुड़गांव पुलिस है वो रेप का मामला 376 IPC के तहत दर्ज कर लिया और साथ ही धमकी देने IPC 506 के तहत जो है वो गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज किया है। महिला तलाकशुदा है और अकेले रहती है। उसके मुताबिक कटारिया ने उसकी इन्हीं बातों का फायदा उठाया, उसे फिर शादी के सपने दिखाए लेकिन बाद में मुकर गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि परमिंदर कटारिया फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहाँ है जो डिप्टी मेयर है, कोई पूछताछ हुई हो उनकी गिरफ्तारी के बारे में? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनके महिला के 164 CRPC के बयान करवाए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। रेप के संगीन आरोपों पर गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस मामले पर सियासी पारा चढ़ना तय है क्योंकि कटारिया BJP के नेता हैं और ऐसे में खट्टर सरकार को घेर रहे विरोधियों को BJP के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है। अतुल भाटिया, इंडिया TV, गुड़गांव।